हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के हक में एहतजाजी धरना धरना चौक पर इंदिरा पार्क के रूबरू दिया गया जुमा के दिन। फिर आज दूसरा धरना जुमेरात के दिन भी दिया गया। और इन दोनों धरनों में मुसलमान भी जो है ना काफ़ी तादाद में मुस्लिम कायदीन शामिल हुए, लेकिन उनको यह उस बात का ख्याल नहीं आया कि हम जो है ना सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का भी धरना इसी धरना चौक पे दें, या नहीं कम से कम केसीआर साहब को यह भी बताएं कि साहब धरना चौक पे हम जो धरना दे रहे हैं इसमें मस्जिद के लिए भी हम ये धरना शामिल करें। उसके बरखिलाफ़ आप अपनी ज़बान से तो नहीं बोल सकते, कम से कम आप जिस वक्त धरने में शामिल हो रहे अपने हाथ पे अपने कंधे पे अपने बाजू पे या अपने सर पे एक काला कपड़ा भी अगर बांध के आते तो ये सवाल किया जाता था कि भाई क्यों आप लोग काला कपड़ा किस वजह से बांधे। तो आप कम से कम ये तब तो अपनी बात बता सकते थे कि साहब हमारी मसाजिद जो शहीद हुए हैं उसको याद दहानी के लिए, आपको याद दहानी के लिए हम ये काला कपड़ा हम अपने बाजुओं पे अपने सरों पे हम बांध के आए हैं, कि कम से कम उसके ऊपर भी जो है ना आप नजरेसानी करें, क्योंकि आप जो है ना मुसलसिल ऐवानों में खड़ के उसके लिए वादा तो कर रहे लेकिन अमली तौर पे कहीं उसके जो है ना वादे खिलाफ हुए और अभी तक वो वादा वफा नहीं हुआ। तो मुसलमान कायदीन से बिलखसूस टीआरएस के लीडरान से मैं इस बात की तरफ वजाहत करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि रूलिंग गवर्नमेंट भी धरना दे सकती है। वो हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी एक रूलिंग गवर्नमेंट में भी जिस तरह धरना दिया जा सकता है, आप टीआरएस पार्टी में होते हुए रूलिंग गवर्नमेंट में होते हुए भी अपनी जबान खोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपनी जो नाराजगियां हैं शिकायतें हैं तकालीफें हैं आपको बोलना पड़ेगा। आप खामोश बन करके बैठ कर ये समझ रहे कि गैब से सामने वाले को इल्म होगा, माँ भी उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। तो आप लोग जो है ना अपने आप को मुंजमित करिए और रखिए, क्योंकि आप जो है ना गाफिल की मदद भी अल्लाह ताला नहीं करते। जब तक आप जो है ना गाफिल रहेंगे आपकी कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। आप अपनी मुतालबात अपनी 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 जो भी अपनी डिमांड्स हैं और जो भी कौम और मिल्लत की जो ज़रूरतें हैं जहाँ पे शिकायतें हैं जहाँ से कि हुकूमत जिसको जो है ना लापरवाही कर रही है आपको इल्म में लाने की ज़रूरत है, और किसी एक मखसूस शख्स के तहत के उनको उन्होंने में है उन्हों ही करेंगे, ये अपने आप को धोखा देने के बजाय हर शख्स अपनी ज़ात में अपने फ़र्द अपनी अपनी ज़ात से इसके ऊपर कोशिश करने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।